नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो है Xiaomi का Redmi गो फोन है। जी हाँ, गो नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इस फोन में जो है एंड्रॉयड का गो एडिशन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, गो एडिशन जो है वो अपने हल्के ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जाना जाता है, जो कम रैम मेमोरी पे चलता है और कम मेमोरी लेता भी है। इसमें आप हल्के ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो काफ़ी फास्ट काम करेंगे। तो कंपनी ने आज अपना पहला गो फोन लॉन्च किया है, तो चलिए हम देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोन जो है मेरे हाथों में, ब्लू कलर का पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है और फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको जो है केबल और सॉकेट मिलता है। काफ़ी टाइट बैठा हुआ ये, हाँ देखिए चिपका हुआ भी होगा तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो मैनुअल्स वगैरह अवेलेबल हैं, सिम इजेक्टर टूल और मैनुअल्स अवेलेबल हैं। तो हम हटा दें यहाँ से सारी चीज़ों को। फ़ोन की बॉडी जो है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी है और देखने में यह जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। भारतीय बाज़ार में यह जो फ़ोन है वो 4,499 रुपये का है, लेकिन उसके लिहाज से हमें यह क्वालिटी अच्छी लगी। ऊपर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3.5 mm ऑडियो जैक है और नीचे की ओर जो है वो माइक्रो USB स्लॉट और लाउडस्पीकर ग्रिल दिया गया है। वहीं फ़ोन के साइड पैनल में सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है और दूसरी ओर वॉल्यूम बटन है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कंपनी ने इसे 5 इंच के डिस्प्ले के साथ में पेश किया है। फ़ोन में 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन दी गई है और इसका स्क्रीन जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो HD है। वहीं कंपनी ने बैक पैनल में 8 MP का कैमरा दिया है, जबकि फ्रंट पैनल पे आपको 5 MP का कैमरा मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं और प्रोसेसर और रैम की, को इस फ़ोन को जो है वो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 425 यानी कि 425 चिपसेट पे पेश किया गया है। इसके अलावा 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। मेमोरी भले ही आपको कम लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें गो एडिशन वाले ऐप्स इंस्टॉल होंगे जो कि लगभग आधी मेमोरी लेती है, तो इस वजह से आपको मेमोरी जो है वो खाली मिलेगा। वहीं अच्छी बात यह कही जा सकती है कि 2 SIM कार्ड के साथ में 1 MSD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। कंपनी ने इसे 3000 mAh की बैटरी के साथ में पेश किया गया है और यह जो फ़ोन है वो 4G OLTE सपोर्ट करता है, इसलिए जो लोग कम रेंज में फ़ोन चाहते होंगे उनके लिए यह जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और बहुत कॉम्पैक्ट है यह, इस वजह से आपको यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जरा हम कैमरा सेटअप देख लें तो कैमरा जो है वो तेज़ है, स्लो नहीं है। 1 GB रैम के बावजूद भी जो है वो कैमरा, हाँ फोटो क्वालिटी अगर आप बात करते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग तो नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक है ये। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है और 4,499 रुपये में ये काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। हाँ, आप ज़रूर पूछेंगे ये फ़ोन जो है वो सेल के लिए कब जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि मी इंडिया स्टोर और फ्लिपकार्ट पे यह फ़ोन है जो है वो 22 मार्च से यानी कि होली के दूसरे दिन से सेल के लिए चला जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर से भी इस फ़ोन को आप खरीद सकते हैं, कुछ ही दिनों में ये उपलब्ध हो जाएगा जैसा कि Xiaomi के अन्य फ़ोन में देखा जाता है। तो कुल मिलाकर मुझे यह फ़ोन जो है वो बहुत पसंद पड़ा, शायद आपको भी पसंद पड़े। आप ज़रूर इस वीडियो पर अपना कमेंट दें और बताएं कि कैसा लगा यह वीडियो और इस फ़ोन के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, यह भी हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।